तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं जहाँ जा रहा हूँ वो एक बहुत स्पेशल और प्यारी जगह होने वाली है। तो आज मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा कि क्या होने वाला है, मज़े आने वाले हैं। और बाकी मैं यहाँ पे रुका था, आप देख सकते हो पानी वाली जगह पे कितनी सुंदर लग रही है यार, वहाँ से पानी बह रहा है। इसके अंदर बस थोड़ा सा लोगों ने कचरा कर दिया है, बाकी वरना ये भी सुंदर लगता। और ये काफ़ी आगे तक नदी है। अभी फ़िलहाल तिकड़ताल जो है उससे थोड़ी आगे है वो जगह, इतना बता सकता हूँ। अभी 11 किलोमीटर रह गया तिकड़ताल और उसके बाद ही ना पता लगेगा। बाकी अभी एक ऐसी जगह पे रुका हूँ मैं, देख सकते हो, और कह सकते हैं बस वहाँ चलते हैं तो आपको उस जगह दिखाएंगे कैसे जगह है और क्या है। और काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है यार, मैं तो बड़े ना तरस रहा हूँ। चलो फिर अब चलते हैं, 11 किलोमीटर रह गया तो अभी वहाँ जाके देखते हैं कि कैसा रहता है। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आप मैंने देखा है आप लोग करते नहीं हो यार, करो ना, मोटिवेशन बढ़ाओ हमारा। चलो कैमरा शुरू हो गया। तो गाइस हम निकल चुके हैं आगे तिकड़ताल की ओर, देख सकते हो कितनी अच्छी खड़ी चढ़ाई है, पढ़ाई मतलब पहाड़ी है। मजा कर, चलो सही है। तो ये दूसरा रास्ता है जो पहाड़ों पे आने का है, बाकी तो एक और भी है वो आगे से ना, टोल टैक्स मतलब टूल टैक्स जो भी है समथिंग वहाँ पर है। चलो बाकी व्यू देखो यार, यहाँ पे तो लग रहा है रोड चौड़ी करने वाले हैं, थोड़ा सा खुदाई वगैरह चल रही है यहाँ पे, आगे भी है। तो गाइस ये लगता है जो प्रेशर अगर आप फील कर पा रहे हैं, या फील तो कैसे करेंगे आप क्योंकि कैमरे में ही है, तो आवाज़ सुन सकते हो तो वो देखना। तो जो ये घर घर की आवाज़ है ना, ये प्रेशर है बिल्कुल, ये खड़ी चढ़ाई है ना, तो इससे जो प्रेशर बनता है ना, मतलब वो लग रहा है जो एक्टिवा पे। और जो मैंने इतने पे ही रखा हुआ है, देख सकते हो सावधान का बोर्ड आ गया है, रोड चौड़ी होगी गाइस यहाँ से। बाकी रास्ते में आपको हर जगह दुकानें दिख जाएंगी और रेस्टोरेंट वगैरह भी दिख जाएंगे। सही है यार, आप यहाँ पे फैसिलिटीज़ है अच्छी है, बस मेडिकल सुविधाएं थोड़ी आपको कम मिलेंगी, बाकी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये विलेज टाइप एरिया है जो ये रास्ता है, देख सकते हो। लग रहा है मेरी आवाज़ फटी फटी ना है यार, फटी फटी आएगी तो मुश्किल हो जाएगी। भाई ये देखो गेस्ट हाउस, सही है यार। भाई ये देखे यार, ये है इंटरेस्टिंग चीज़। तो गाइस आना चाहिए कभी कभी, मैं तो संडे वाले दिन निकलता हूँ घर से बाहर। ओ भाई सही है सही है सही है सही है, OMG, अरे भैया सही है। अब देखो जितने प्यार से नीचे आए ना, इतने प्यार से ऊपर जाएंगे, प्रेशर लगेगा। तो भाई इस पहाड़ों में ऐसा ही होता है और ऐसे चलती है गाड़ियाँ। और गाइस ये देखो यार सुंदरता जो दिख रही है ना, सुंदरता के नीचे भी देखो, नीचे आ रहा है। ओ भाई अब बस मुझे एक चीज़ का डर लग रहा है कि ये आवाज़ मेरी फट फट के ना आए यार, जो इतना मेहनत से मैंने बोल बाल के कंटेंट इकट्ठा किया है, ये कचरा ना हो जाए बस। वाह तो ये पूरी मज़ेदार है यार जगह। भाई जी मैं अपने बारे में क्या बताऊँ यार, बस संडे वाले दिन निकलता हूँ, भाई की छुट्टी मिलती है और उस दिन ऐसे आना जाना अच्छा लगता है मुझे। गाइज अभी मैं आपको एक खूबसूरत से इन्हें चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसे देख के आप कहोगे वाह मज़ा आ गया। शायद मैं ऐसा कह रहा हूँ, शायद आप ऐसा ना कहें, लेकिन आप देखो तो सही। ये है वो लेक प्यारी सी जिसे तिकड़ताल कहते हैं, और यहाँ जो
मतलब बोटिंग हो रही है ना यार, दिल कर रहा है चला जाऊं, बट अपने दिल को कंट्रोल करते हुए, पैसे कंट्रोल करते हुए हमें जो जाना है इस पहाड़ी के पीछे जाना है, तो वहीं पे हमारा एक सरप्राइज़ है। तो देख सकते हो ऐसा छोटा छोटा सा दिख रहा है, और वहाँ पर कहीं जाना है हमको। अभी पार्किंग देखते हैं, वहाँ पे लगाते हैं, बट बहुत प्यारी चीज़ है यार, जाना तो पड़ेगा अपने को। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं तिक्कड़ताल, और तिक्कड़ताल से जो आगे जो सरप्राइज़ प्लान होने वाला था, जो आपको इस रास्ते पर जाके देखने को मिलेगा, देख सकते हो ये तिक्कड़ताल का एरिया है। आई होप आगे भी बनाएंगे वीडियो इस पर भी, बट अभी तो नहीं, पर सही लगी है जगह तिक्कड़ताल, तो मैं मन तो कर रहे थे घूमूं, पर जिस सरप्राइज़ के लिए आए हैं वो सरप्राइज़ भी तो दिखाना है आप लोग को। तो चलो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, और पार्किंग की है जहाँ पे वो आपको मैं बताऊँगा कौन सी जगह कैसे की है क्या है। बाकी आप इस जगह का हाल देख सकते हो, मैगी 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 पड़ा हुआ है यहाँ पे, कचरा वचरा। तो गाइज यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे, तो इसका इलाज क्या हो सकता है। यहाँ पे पसीना आ रहा है, देख सकते हो आप मेरी पूरी बॉडी पे, तो उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जो मिट्टी है वो मैं लगा सकता हूँ, और ऊपर जाके झरना जो आएगा जब मैं धो लूँगा, अभी मिट्टी जो है वो ऐसे खोद के बिल्कुल जो नीचे वाली है उसमें से निकाल के लगा सकते हो, ऊपर जाके झरने के पानी से धो लेना। पर मेरी फिलहाल मच्छर जो है वो डेंगू वगैरह के हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमारा क्या है, बैंड ना बच जाए। वैसे तो यहाँ पे फुल स्लीव पहन के आए तो ज़्यादा ठीक है, वरना तो मच्छर हमारी लगा ही देंगे। गाइस ये देख लो पसीना मेरा, नहीं मजाक कर रहा हूँ, वो देखो वो है वहाँ पे मंजिल अपनी, और वहाँ से हम आए हैं। चलो भाई आ गए हैं, अपना रेस्ट मारते हैं और सिनेमैटिक के मजे लो। जो यहाँ का व्यू है ना यार, यहाँ से देख रहा हूँ, पीछे आप देख पा रहे होंगे, और ऊपर देखो यार, यार जो लाइट लग रही है ना यार, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कितना सही लग रहा है। कैमरे में तो जस्टिस नहीं हो पा रही यार, रियल में तो बहुत सही है। कुछ यहाँ से आए थे हम लोग, ओ भाई यहाँ पे कैसे सही है, मज़ा आ गया यार। अब देखते हैं यहाँ के सिनेमेटिक शॉट कैसे आए होंगे आपको, आई होप पसंद आए हो। चलो देखो
गाइस आप भी जब भी यहाँ पर आए तो मजे से आए, सेफली आए और जितना हो सके राशन पानी लेके आए, तो उसको पहले स्टोर वगैरह करके लेके आए, ऐसे देख लो बोतल नीचे ना आए। तो आई होप आपको मजा आएगा, ठीक है, और बस चलते हैं आगे, नीचे उतरते हैं, देखते हैं और कितना डिफिकल्ट रास्ता है, दिखाओ जरा यार। देख सकते हो हमने पार्किंग कहाँ की है, यहाँ पे की है, हमारी एक्टिवा खड़ी है। चलो फिर चलते हैं घर की ओर। तो गाइज अब देख सकते हो हम लोग कहाँ पर हैं। तो हम अपना एंजॉयमेंट कर कर आके आ गए, सरप्राइज आपको मैंने रिवील कर ही दिया है, दिखा दिया था। तो अब चलते हैं अपने घर की ओर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यूँ ही प्यार देते रहो, और बस गाड़ी यूँ चलने दो, आगे चलते हैं। चलो बाय।